नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे, होली की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, होली की एक और रेसिपी लेकर के मैं आ गई हूँ। और इसमें मैं अच्छे से मैदा जो है ना, मैदा में गरम तेल डाल के मैं मोयन लगा रही हूँ। आप घी से भी मोयन तैयार कर सकते हैं। और इसकी बहुत ही स्वादिष्ट एक रेसिपी लेकर के आई हूँ मैं, आप ज़रूर बना करके देखिएगा। होली में बहुत देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मोयन अच्छे से इसमें मल के डाल लेते हैं और बहुत अच्छा खस्ता बनेगा गरम तेल डालने से। आप घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से मुट्ठी बंध गया, मतलब ये मोयन कंप्लीट है। इतना डालना है, एक किलो में 200-250 ग्राम तक तेल जो है या घी आप डाल सकते हैं। और नॉर्मल पानी डाल के इस तरह से इसका बेटर ये जो है ना डो तैयार करेंगे। डो थोड़ा सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा हार्ड ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, गीला नहीं करना है। और यहाँ देखिए तैयार हो गया है ये, और इससे मैं बना के अभी दिखाती हूँ कितना टेस्टी बनेगा। और ये दो रेसिपी मैं बनाई थी, तो एक आपको तो अभी शेयर कर चुकी हूँ और ये एक और है। तो उसके लिए यहाँ छोटा सा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं, मैं छोटा ही बनाऊँगी। और ये रेसिपी बन रही है करेला खाजा बोल सकते हैं, शंख टाइप खाजा इसको बोल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इस तरह से पतला बेल लेंगे इसको। पहले आप बहुत ज़्यादा पतला नहीं, मतलब मीडियम पतला बेल सकते हैं, रोटी से थोड़ा सा पतला। और अच्छे से इसमें बीच में कट केवल लगा रहे हैं, ऊपर नीचे ज्वाइंट है आप देख लिए। और इस तरह से उंगली से हल्के हाथ से घुमा देंगे और ये बस रोल हो जाएगा। चिपकता नहीं है, इसमें मोयन है तो चिपकता नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तेल घी वगैरह। और बस फटाफट से इसको बेल लेंगे इस तरह से। साइज अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। काटने का तरीका ये देख सकते हैं आप, पतला पतला ही काटना है बीच से, और ऊपर नीचे ज्वाइंट रहेगा और बस बीच में कट लगाएंगे इस तरह से और रोल कर देंगे ऐसे उंगली से आराम से। और यहाँ पे देखिए, मैं दो तीन पहले यहाँ बेल के दिखा दे रही हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से कट जाता है और इतना खूबसूरत देखने में लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप नहीं बनाते हैं तो ज़रूर एक बार बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और यहाँ देखिए, है ना, दिख रहा है। तो साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं छोटा बड़ा दो तीन साइज ली हूँ यहाँ। और यहाँ देखिए तेल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन तेल अच्छा गरम रहना चाहिए। और इसमें ऐसे हिला के थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि वो चिपके नहीं, खुला रहे, और तेल में जाके भी खुल जाता है। तो बहुत देर तक इसको जो है ना बना के रखना नहीं है, फटाफट से बनाते जाइए और तलते जाइए। और यहाँ देखिए कितना अच्छा तल के ये तैयार होगा, दिख रहा है, बहुत अच्छा खुल गया पूरा। इसमें केवल मोयन डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, और सिर्फ मैदे से बना है ये। आप इसमें सूजी वगैरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मैदे से ही ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और बिल्कुल हल्का हल्का एकदम क्रंची सॉफ्ट, देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई में वो शंख की तरह दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरह से ऐसे थोड़ा सा खोल दीजिए और उसके बाद डाल दीजिए इसमें, ऊपर नीचे दोनों तरफ से पकड़ के उसको थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि चिपका नहीं हो कुछ, और बस इसमें डाल दीजिए। यहाँ देखिए, है ना, दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और भी बहुत सारी रेसिपी मैं बनाई हूँ और भी बनाती रहूँगी। तो आप ज़रूर इस सब में से ट्राई कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इस तरह की और भी नई नई रेसिपी देखने के लिए। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके नई नई रेसिपी आने से। और नया कुछ ब्लॉग भी लाऊंगी मैं। और इस तरह से मैं अभी दिखाई जो हिला के तेल में भी आप एक तरफ से पकड़ के हिला सकते हैं उसमें, तो उससे भी अच्छा खुल जाता है, थोड़ा सा गोल शेप भी आता है उसमें। ये है, यहाँ देखिए, है ना, ये तल के मैं फटाफट से सारा निकाल दी, यहाँ सारा हो गया है तैयार। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस फटाफट बनते जाता है। यहाँ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, शंख की तरह बहुत ही टेस्टी बना है ये, कितना सॉफ्ट है। और इसमें मैं बना रही हूँ मीठा, ये खाजा है, इसको करेला खाजा या शंख खाजा जो भी बोल सकते हैं। और इसको मीठा डालने के लिए मैं चीनी के चाशनी तैयार करके रखी हूँ, पहले भी चाशनी डाल के मैं एक बनाई थी, तो सेम इसी तरह से तीन तार का चाशनी ये मैं तैयार रखी हूँ। और थोड़ा सा गर्म है ये, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है उसको, क्योंकि पतला पतला वो बना हुआ है, ज़्यादा गर्म डालेंगे तो पिघल जाएगा जो है सो, तो इसलिए खाजा जो है पिघलने लगेगा इसलिए। तो अभी इतना गर्म में इसको ऐसे डीप कीजिए आप इससे, या एक और मैं तरीका बताऊंगी, इस तरह से डीप करना है ताकि वो आर पार होके जूस इसमें से निकल जाए, इतना पतला रखिएगा ये जूस जो है
है ना ऐसे, नहीं तो ये देखिए गर्म रहेगा ज़्यादा तो टूट जाएगा, तो इस तरह से थोड़ा पतला कर दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए ऐसे आराम से सारा डिप कर लेंगे इसी तरह से, बहुत ही आसान है, झंझट नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे डिप कर देने से ना बहुत ज़्यादा इसमें जूस जो है, ये जो है ना चीनी नहीं जाएगा, नहीं तो चीनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जूस ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो, इतना पतला थोड़ा रखिए जूस को ताकि इसमें हर जगह लेयर पहुँच जाए बस। और सारा निकाल देना है इसका, और सारा मैं पहले अभी डिप कर ले रही हूँ, उसके बाद अभी दिखाती हूँ इसमें नीचे चीनी आ गया होगा, जो लेयर पतला सा लेयर इसके ऊपर बन गया है, और बस सारा चीनी नीचे चला जाएगा तो इससे क्या होगा, हर जगह से इसमें मिठास होगी और बहुत ही स्वादिष्ट। यहाँ देखिए इसमें दिख रहा है नीचे चीनी बैठ गया है सारा, इसमें से सारा लेयर होके और बस नीचे चला गया है, तो बस इतना ही चाहिए, हल्का हल्का चीनी। और यहाँ मैं जो नीचे चीनी उसमें प्लेट में बच गया उसको आप निकाल करके यूज कर सकते हैं किसी भी रेसिपी में, या खाने में, चाय में, कैसे भी खा सकते हैं उसको, और उसी से बन जाता है ये लड्डू बनाने के लिए जो डालते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ थोड़ा सूखने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो गया है, इस पर चीनी का लेयर हल्का हल्का आ गया है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा खस्ता ये बन के तैयार हो गया है खाजा। तो लीजिए इंजॉय कीजिए, ये भी एक रेसिपी आप बना सकते हैं। और यहाँ मैं दिखाऊंगी कि कितना खस्ता बना है, ये बहुत ही खस्ता है, ये देखिए है ना दिख रहा है, तो इतना खस्ता ये बन के तैयार हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ज़रूर आप बनाइएगा होली पर इस रेसिपी को और इंजॉय कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं इसको डब्बे में बंद करके रख रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी होली पर, ज़रूर आइए होली खेलने, मैं ढेर सारी रेसिपी बना करके रखी हूँ, आप लोग भी खाइए और सब लोग होली खेलेंगे। तो इस तरह से बने रहिएगा मेरे चैनल पर, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए आप ज़रूर बनाइए इसको और इन्जॉय कीजिए।